हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो, 3900 रुपया में 3 बल्ले और कितना गेंदे हैं? 3 बल्ले और 6 गेंदे हैं। तो देखो, 3900 टोटल रुपया कितना है? 3900। इसमें कितना? 3 बल्ला और 6 गेंदे। तो हमको नहीं बल्ले के दाम मालूम है, नहीं गेंद का। पहले यहाँ मानेंगे हम, माना कि एक एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया। फिर मानेंगे अब गेंद कितना है? 6 गेंद है, तो एक गेंद का पहले निकालेंगे। तो एक गेंद का मूल्य कितना रुपया? ₹Y। देखो, इसमें नहीं हमको गेंद का मालूम है मूल्य, नहीं बल्ले का मालूम। तो बल्ला की ₹100 और गेंद का ₹Y। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिख लेंगे हम प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से तो यहाँ पर कितना है? 3 बल्ले कह रहा है। तो एक बल्ला का कितना? ₹100 है। तो 3 बल्ला कितना हो जाएगा? 3x। और 6 गेंद है, तो एक गेंद का मूल्य कितना है? ₹Y। तो 6 गेंद का कितना होगा? 6Y। और यहाँ कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद मिला के कितना रुपया में खरीदा है? 3900 रुपया में। यहाँ लिख लेंगे हम 3900। और देखो, ये दोनों में क्या है? 3 या 6। यहाँ पर 3 कॉमन करें, कॉमन करेंगे तो कितना है? 3 से भाग हो रहा है, यह x बच जाएगा। 3 2 जाएगा कितना था? 6। 2Y बराबर कितना जाएगा? 3900। अब यह 3 से कितना बार में कटेगा? यह 1300 में। कितना जाएगा? x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? यह 1300। यह समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर फिर से बता, देखो 3 बल्ले और 6 गेंद का रहा है। जब एक बल्ले का मूल्य ₹100 है, 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। और एक गेंद का मूल्य कितना? ₹Y। तो गेंद कितना है? 6 गेंद है। 6 गेंद का मूल्य कितना? ₹6। जैसे यहाँ पर हम बता रहा है, जैसे रहेगा एक गेंद का मूल्य कितना रुपया? मान लो एक गेंद का मूल्य तुम्हारा हो गया ₹8। तो इसमें कहेगा 4 गेंद का मूल्य कितना होगा? तो 4 गेंद का मूल्य कितना जाएगा? तो क्या करेंगे हम? 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹32। तो एक गेंद का मूल्य ₹8, 4 गेंद कहेगा तो 4 से गुना किस में करेंगे? एक गेंद के मूल्य में। वही तुम्हारा यहाँ पर कह रहा है, एक बल्ले का मूल्य कितना है? ₹100। और एक गेंद का मूल्य कितना? ₹Y। तो यहाँ एक का मालूम है, तो यहाँ कितना है? 3 बल्ला है, तो 3 से गुना। यहाँ कितना है? 6 है, तो 6 से गुना। और कहता है दोनों मिला के कितना में खरीदा है? ₹3900 में। दोनों मिला के कितना होगा? 3900। ओके, समझ में आ गया। अब चलेंगे फिर हम दूसरे शर्त से। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे शर्त से। दूसरे शर्त से फिर कह रहा है, दूसरे शर्त में देख लो, कहता है उसने एक और बल्ला उसी प्रकार खरीदा। देखो, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदा। और फिर कह रहा है एक बल्ला और 3 गेंद, तो एक बल्ला का मूल्य कितना? x माने थे। और कह रहा है 3 गेंद, तो 3 गेंद को क्या? y माने थे। दोनों मिला है कितना में खरीदा है? 1300 में। यह समीकरण तुम्हारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे हम? टेबल बना लेंगे। समीकरण एक का टेबल बनाएंगे हम। चलो, यहाँ पर इसका टेबल बना ले रहे हैं। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। पहले हम समीकरण 1 का टेबल बनाएंगे। तो समीकरण 1 तुम्हारा कितना? x प्लस 2y बराबर कितना? 1300। यहाँ पर लिख लेंगे हम x प्लस 2y बराबर कितना है? 1300। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2y।
अब यह तुम्हारा क्या हुआ, यह मशीन तैयार होगा। इसमें जैसे ही यहाँ पर x बराबर कितना 1300 माइनस टू वाई, वाई के मान डालेंगे तो x के मान निकलेगा। अब वहाँ पर क्या करेंगे, y के मान क्या रख सकते हैं, यहाँ के y के मान हम 1300 है, जैसे यहाँ y के मान हम डाल देंगे यहाँ पर 600, सॉरी यहाँ पर हम y के मान कितना डाल दिए, 600 डाल दिए। अगर हम y बराबर कितना ले लिए, हम y बराबर ले लिए 600, तो इसमें हम डालेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 1200, 1200 और 1300 में से 12 गया तो कितना 100। जैसे देखो x बराबर तुम्हारा जाएगा 1300 माइनस 2 गुने 600, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1300 माइनस हो जाएगा 1200, घट जाएगा तो कितना आएगा 100। तो तुम्हारा जो x का मान कितना आएगा, x का मान यहाँ पर आ जाएगा 100। फिर इसी तरह अगला, फिर इसी मशीन में फिर दूसरा मान डालेंगे, अगर y के मान यहाँ पर हम डालेंगे 400, मान लो डाल लिए y के मान कितना डाल ले लेंगे हम 400। अगर y के मान हम 400 ले लेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हम y बराबर कितना 400, फिर इसी मशीन में डालेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800, 13 में 100 में से 800 गया तो कितना 500 आ जाएगा। फिर लिखो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1300 माइनस 2 गुने 400, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1300 माइनस 800, घट के कितना देगा 500। अब यहाँ पर कितना हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम 500। ये समीकरण एक का टेबल तैयार हो गया। अब समीकरण दो का टेबल बनाएंगे, समीकरण दो से। अब समीकरण दो का टेबल कितना है, समीकरण दो का टेबल है x प्लस 3y बराबर कितना है 1300। अब इसका टेबल हम यहाँ पर बना लेंगे, चाहे इधर बना लेते हैं इसका टेबल। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर कितना 1300 माइनस 3y। ये आपका मशीन तैयार होगा, इसमें मान डालते जाएगा, जैसे गेहूँ डालते तो आटा निकालता, वैसे इसमें मान डालेंगे, y के मान डालेंगे तो x के मान निकलेगा। अब यहाँ पर कितना डाल देंगे हम, जैसे y के मान यहाँ पर हम ले लेते हैं 400, मान लो y के मान हम कितना ले लिए 400, तो यहाँ लिख लेंगे y बराबर कितना 400। फिर इसमें देखो इसी मशीन में डालेंगे y के मान हम, 1300 माइनस 3 गुने कितना 400, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस 1200, घट के कितना देगा, घट के कितना देगा या 100 दे देगा। तो यह मान कितना आ गया 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे अभी x के मान कितना आया 100। फिर इसमें डालेंगे हम, अब y के मान कितना लेंगे, y के मान यहाँ अगर 400 लेंगे तो 4 तिया कितना जाएगा 1200, ये तो निकाल दिए। फिर अगर इसका मान हम ले लेंगे 300 लेंगे, इसका मान मान लो y के मान हम कितना ले लिए 300 ले लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कितना लिए हम 300। फिर इसी मशीन में डालेंगे हम, तो x बराबर कितना है 1300 माइनस 3 गुने 300, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 900, घट के कितना देगा 400 देगा, घट के कितना आ गया या 400 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x के मान कितना है 400। अब मेरा दोनों टेबल तैयार हो गया, समीकरण दो का टेबल तैयार हो गया और यह समीकरण एक का टेबल। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचना सीखेंगे। चलो अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर समझाएंगे। इसको पहले क्या करते हैं, एक सीधा लाइन ले लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। एक ऐसे ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस पर ले लेंगे हम। ये हो गया। अब इसका नाम क्या रखते हैं, x डैश, इसको बोलते हैं x, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं y, फिर नीचे वाले को बोलेंगे हम y डैश। अब यह तुम्हारा क्या मूल बिंदु है, तो इसमें मेरा दिया है 100 के सबसे मिनिमम कितना है 100 है, यहाँ पे स्टार्ट करें कितना से करेंगे हम 100 से, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, इस पर 500, यहाँ हो जाएगा
600, सबसे मैक्सिमम अंक कितना है 600, 600 तक ले जाएंगे। इसके बाद फिर इधर ऊपर ले जाएंगे 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ हो जाएगा 600। फिर अब इधर मूल बिंदु से किधर लाएंगे, बाएं तरफ, बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में होगा, यहाँ होगा 100, यहाँ माइनस 200, यहाँ माइनस 300, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 400, यहाँ हो जाएगा माइनस 500, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना 600। फिर इधर भी माइनस में होगा, नीचे माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600। इसमें देखो फर्स्ट समीकरण में तुम्हारा क्या दिया, फर्स्ट समीकरण में दिया x बराबर 100 और y बराबर 600। तो x बराबर कितना दिया है 100 और y बराबर कितना दिया है 600। तो इधर 100 से सीधा जाएंगे, y बराबर कितना है 600, यह कहाँ पर होगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना है x बराबर है तुम्हारा 100, y बराबर कितना है 600, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर इसका a हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है x बराबर 500, y बराबर 400, तो x बराबर कितना है 500 और y बराबर कितना है 400। तो इधर से जाएंगे हम, इधर से आएंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना है 500 और y बराबर 400, ये दोनों कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर। तो x बराबर तुम्हारा कितना है 500, 400, यह हो जाएगा तुम्हारा b। आप देखो यहाँ पर एक सेंटर बिंदु यहाँ था, एक यहाँ था, ये दोनों से क्या करेंगे हम, इसको मिला के एक ग्राफ खींच लेंगे, इसको मैं ऐसे मिला के एक ग्राफ खींच लेंगे, हो गया। और ये जो ये ग्राफ किसका था, समीकरण एक के था, तो समीकरण एक का जो मान था वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। समीकरण एक का मान तुम्हारा दिया है x प्लस 2y बराबर कितना 1300, यहाँ पर हो गया। अब दूसरा चलेंगे, दूसरा समीकरण में क्या दिया है, दूसरा समीकरण में दिया है x बराबर 100 और y बराबर कितना 400। तो x बराबर 100 और y बराबर कितना है 400, यानी यहाँ पर होगा। x बराबर कितना दिया है 100, y बराबर 400, या a b हो या क्या हो जाएगा c हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है x बराबर 400, y बराबर 300, तो x बराबर 400 और y बराबर कितना, इधर से जाएगा 400, इधर से जाएगा 300, कहाँ पर होगा यहाँ पर। x बराबर कितना है, x बराबर 400, y बराबर 300, यह तुम्हारा आ जाएगा d। आप फिर यह दोनों बिंदु आया, ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, इसे स्केल से मिला लेंगे, अब यह जो समीकरण है वो किसका है, समीकरण दो का यह ग्राफ है, तो समीकरण दो को हम यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण दो होगा x प्लस 3y बराबर कितना है 1300, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। हेलो दोस्तों, इसी तरह के ग्राफ अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।